पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा का राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी और प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील नागर ने बताया कि राधाकृष्णन संघ परिवार की बजट में बड़ी मांग करते हुए पूरी हुई। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का शिक्षक एडर बनाया जाएगा, जिसमें 10,000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती होगी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने इसके लिए प्रमुखता से पिछले कई दिनों से इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था। बजट भाषण 2022-23 में राजस्थान सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई, यह है स्वागत योग्य है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन लंबे समय से मांग करता रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम को शीघ्र बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इससे शिक्षकों सहित राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इस घोषणा के पश्चात राजस्थान सरकार के कार्मिकों में एक खुशी की लहर दौड़ी है और ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। बजट घोषणा में जो ये एक उदारवादी तरीके से माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब द्वारा ये घोषणा की गई है, ये कर्मचारी हितार्थ एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। हम इस घोषणा की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और स्वागत करते हैं, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रदर्शित करते हैं। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में हमारे जो संघ की मांग थी कि अंग्रेजी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनका अलग से कैडर सृजित किया जाए, तो बजट घोषणा में 10,000 पदों की भर्ती सहित अंग्रेजी माध्यम के कैडर की घोषणा की गई है। ये भी सराहनीय कदम है। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय सोनी साहब, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील नागर एवं हमारे संगठन के पदाधिकारी ने एक जो मांग विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार को प्रेषित की, आज हमें प्रसन्नता है कि हमारी मांगों को माना गया और कर्मचारी हित में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।